तो क्लास हमारा क्या चल रहा था, हम क्लास 12th में इकोनॉमिक्स टॉपिक चल रहा था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कि मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स इम्पोर्टेड, जिसमें कि हमने दो टाइप के अकाउंट देखे थे। कौन से अकाउंट क्लास? एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि करंट अकाउंट में हम क्या कर रहे थे, सारे परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर रहे थे, हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे कि परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफर को कर रहे थे हम रिकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है क्लास हमारा, कैपिटल अकाउंट। क्या आता है? सेकंड आता है कैपिटल अकाउंट इन BOP, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सेकंड अकाउंट जो आता है वो क्या आता है, करंट अकाउंट आता है। ठीक है, इट इज द अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट होता है क्लास, देखो समझना बात को, जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, अकाउंट इन BOP विच रिकॉर्ड्स सच ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो रेजिडेंस है, रेजिडेंस मतलब जो देश के नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो देश में रह रहे हैं, और जो पूरी दुनिया है उनके बीच में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शन, विच कॉज टू चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटी, ये वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, या तो वो एसेट को बढ़ाए या फिर लाइबिलिटी को घटाए, या फिर एसेट घटाए या फिर लाइबिलिटी बढ़ाए, ऑफ रेजिडेंस ऑफ द कंट्री, ऑफ रेजिडेंस ऑफ कंट्री एंड गवर्नमेंट। देखो बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, करंट अकाउंट में हमने क्या सीखना है क्लास, करंट अकाउंट में अपने को सीखना है कि एक बात समझो आप कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे या तो एसेट बढ़ेगा या फिर लाइबिलिटी घटेगी, या फिर एसेट घटेगा या फिर लाइबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब हमने करंट अकाउंट में क्या देखा था, करंट अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन होती है उससे हमारे एसेट या लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कैपिटल अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो किससे होती है क्लास, एसेट या फिर कैपिटल पे, एसेट या फिर लाइबिलिटी पे क्या पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो क्लास दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसे हम अगर शॉर्ट में देखें तो क्या देखेंगे, FB। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और सेकंड क्या होता है क्लास, सेकंड जो होता है वो क्या होता है, बोरोइंग्स। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम विदेश से कुछ इन्वेस्टमेंट प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट कौन से होते हैं, पहला होता है क्लास FDI, FDI का मतलब क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये वो एसेट होते हैं जिन पर हमारा क्या होता है क्लास, कंट्रोल होता है, जिन पर हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई कंपनी खोल ली विदेश में, ठीक है, और एक होता है क्लास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता,
ठीक है, मतलब जैसे कि हमने क्या करा, किसी दूसरी कंट्री की कंपनी का क्या खरीद लिया, हमने शेयर खरीद लिया, ठीक है। और बोरोइंग्स में क्या होता है, बोरोइंग्स में भी क्लास होती है, कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती हैं, कमर्शियल बोरोइंग्स, और एक क्या होती है क्लास, IMF बोरोइंग्स, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है उससे हम क्या करते हैं क्लास, कुछ बोरोइंग्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, करंट अकाउंट के कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, जिसमें कि हम सबसे पहला क्या पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब विदेशी निवेश क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है क्लास, इट हैज टू सब कंपोनेंट्स, इसमें दो और कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, दो और कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहला होता है क्लास क्या, इसमें FDI, FDI का मतलब क्या होता है, FDI का मतलब होता है बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है क्या, देखना एक बार ध्यान से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है कि आप कोई विदेश में, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी एसेट खरीदे, विच अलाउ, जो क्या अलाउ करता है, विच अलाउ कंट्रोल ओवर दैट एसेट्स, कंट्रोल ओवर दैट एसेट्स, जो कि उस एसेट के ऊपर क्या होता है, अगर हमारा कंट्रोल है, अगर किसी एसेट हमने बाहर खरीदा, विदेश में कोई हमने एक एसेट खरीदा, अगर उस एसेट के ऊपर हमारा क्या है क्लास, अधिकार है, तो उसे क्या बोलते हैं हम क्लास, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स FDI, ठीक है, दैट मीन्स FDI, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, जैसे कि हम मान लें टाटा, टाटा छोड़ो, टाटा परचेज ए फर्म इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में टाटा कहीं भी कोई कंपनी खरीद ले, जैसे कि जगुआर खरीदी टाटा ने, ठीक है, वर्ल्ड एंड कंट्रोल ओवर दैट फर्म, मतलब उस फर्म के ऊपर क्या हो टाटा का, कंट्रोल हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं क्लास, FDI, उसी को हम क्या बोलते हैं, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स हमने कोई फर्म से टाटा कंपनी कहाँ की है क्लास, टाटा कंपनी है इंडिया की, ठीक है। अब टाटा ने क्या करा, अमेरिका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है, लेट सपोज करो हमने जापान में क्या करा, एक कंपनी जाकर खरीद ली, और कोई भी कंपनी खरीदी सपोज दैट, ठीक है। अब जापान में जाके जब हमने कंपनी खरीदी, तो उसके ऊपर अगर टाटा क्या है, कंट्रोल है, क्या है टाटा का, कंट्रोल है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है क्लास, इसके बाद आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कि मतलब ठीक है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ एसेट्स इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि मतलब पूरी दुनिया के अंदर आपने क्या करा, कोई भी एसेट खरीदा, ठीक है, कोई भी एसेट खरीदा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विदाउट हैविंग
क्या नहीं है आपके पास, क्या नहीं है, विदाउट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर दैट एसेट्स। आपने कोई भी संपत्ति अगर खरीदी, अगर उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्लास, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर जैसे कि हम माने, ठीक है, एग्जांपल हम देखें कि टाटा परचेज सम शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी, कि टाटा अगर किसी दूसरे देश की कंपनी का, फॉरेन जो कंपनी होती है उनका अगर कोई शेयर खरीद ले, ठीक है, तो वो क्या है क्लास, वो है हमारे क्या, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि तो शेयर खरीदने से आपके पास उस फर्म को चलाने का पूरा कंट्रोल नहीं आता, उस फर्म को चलाने का पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं आता, डेट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है, तो देखो क्लास, एफडीआई जो होता है, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट बी डेट क्रिएटिंग। ठीक है, मतलब ये जो होते हैं हमारे, ये कभी भी डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है, कैपिटल ट्रांजैक्शन, इससे हमारे ऊपर कर्जा नहीं बढ़ता। ठीक है, इससे हमारे ऊपर कर्जा नहीं बढ़ता, नॉन डेट क्रिएटिंग ट्रांजैक्शन। मतलब जो एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इससे हमारे देश पर कोई भी कर्जा, डेट जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो क्लास हमने दो पॉइंट पढ़े, पहला हमने क्या पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है, इट इज़ द अकाउंट इन बीओपी विच रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटी ऑफ रेजिडेंस ऑफ कंट्री। ठीक है, जिससे या तो कोई एसेट और लाइबिलिटी में क्या होगा, चेंजेस होंगे। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट हमने क्या देखे, पहला पढ़ा हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमने क्या पढ़ा, बोरोइंग्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो होते हैं, पोर्टफोलियो और एक एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, इसमें कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई भी एसेट खरीदें जिसके ऊपर हमारा क्या है, अधिकार है, मतलब उसके ऊपर हमारा क्या है, कंट्रोल है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसके ऊपर जो हम एसेट खरीद रहे हैं उसके ऊपर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। और एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन। कैपिटल ट्रांजैक्शन तो है, बट इससे हमारा कोई भी डेट क्रिएट, हमारे का कर्जा क्रिएट नहीं होता। अब देखें, अब एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से कैपिटल अकाउंट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, एफडीआई एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय नॉन रेजिडेंस ऑफ कंट्री। किसी कंट्री के नॉन रेजिडेंस, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री के नॉन रेजिडेंस के द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट करा गया है इन आवर कंट्री इज रिकॉर्डेड एज प्लस आइटम। क्या लिखेंगे उसे, प्लस आइटम, बिकॉज इट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। क्या होगा, कौन करेंसी है क्लास, इनफ्लो होगा, ठीक है, इन इनटू कंट्री।
वेयर एज ठीक है FDI एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय रेजिडेंस ऑफ कंट्री इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में हम कहीं भी क्या कर रहे हैं, पैसे को ले जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इज रिकॉर्डेड एज माइनस आइटम। क्या होगा ये? नेगेटिव आइटम होगा बिकॉज इट कॉज टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री। इससे क्या होगा, हमारी कंट्री में जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसका क्या होगा, आउटफ्लो होगा। क्या होगा क्लास? आउटफ्लो होगा। समझ में आई बात? अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपके देश में अगर हो रहा है तो प्लस आइटम, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, कंट्री में इनफ्लो हो रहा है। बट अगर आपकी कंट्री के लोग अगर बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री। समझ में आई बात यहाँ तक? इसके बाद अगर हम देखें, पहला पॉइंट हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया, इसके बाद सेकंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बोरोइंग्स। क्या पढ़ेंगे? बोरोइंग्स। अब ये बोरोइंग्स क्या होती हैं देखें, बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है, बोरोइंग्स का मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना। तो उधार क्लास दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है कमर्शियल बोरोइंग्स। क्या हो सकती हैं? कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, इट रेफर्स टू बोरोइंग्स। अब देखो ये क्या होती हैं, ये ऐसी बोरोइंग्स होती हैं बाय कंट्री विद कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ देने के बाद, मतलब कुछ देने के बाद कि मतलब आप कुछ गिरवी रखेंगे, कुछ अपना कंसीडरेशन देंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये क्यों लेते हैं हम? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप समझें, एक बैंक आपको 5% पे लोन दे रही है, एक बैंक आपको 3% पे दे रही है, तो आप किससे लेंगे? 3% से। क्यों? क्योंकि वो रेट क्या है उसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है, इसलिए कंट्री यहाँ से ज़्यादा लोन लेना पसंद करती है। ठीक है, ठीक है। इट रेफर्स टू बोरोइंग बाई कंट्री इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन होता है समझना, इसमें होता है पर इसमें ये हटा देना, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोअर रेट नहीं होता, लोअर रेट अगले में होता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। कि मतलब इनसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों क्या करते हैं क्लास, लोन लेते हैं। समझना बात को, ठीक है। फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, किससे? इंटरनेशनल मार्केट से। अब इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है क्लास? अब इंटरनेशनल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर आपको क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज आपको प्राप्त होता है जहां से। ठीक है, अब एक और पॉइंट होता है इसमें बोरोइंग्स में, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या होता है? बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। IMF के द्वारा आप क्या कर रहे हैं क्लास, पैसा ले रहे हैं। अब IMF क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कि मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के अंदर काम करती है, जो मतलब दूसरे देश, हर देश के बिजनेस को, मतलब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है। ठीक है, इट रेफर्स टू बोरोइंग बाई
कंट्री विद कंसीडरेशन, कुछ गिरवी रखने के बाद क्या मिलता है इनको, लोन मिलता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इन्वॉल्व्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को कंपेयर करें तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, आईएमएफ का कम होता है, ठीक है। तो क्लास जितनी भी बोरोइंग्स होती हैं, ऑल बोरोइंग्स, हमने क्या सीखा था, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग, बट जितनी भी बोरोइंग होती हैं आर डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजैक्शन, ये सब क्या होती हैं, एक कैपिटल ट्रांजैक्शन जो कि हमारे ऊपर कर्जा क्रिएट करती है। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया है क्लास, कहीं से पैसा उधार लिया है, ठीक है। अगर हमने क्या करा, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं से भी हमने क्या लिया है, पैसा लिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज प्लस आइटम, इसे हम क्या बोलेंगे, प्लस आइटम बोलेंगे, ठीक है। अब प्लस आइटम क्यों बोलेंगे, बिकॉज क्योंकि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, मतलब पैसा हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, क्या हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, समझ में आई बात, इनफ्लो इनटू कंट्री, इनटू कंट्री, पैसा हमारी कंट्री में बाहर से आ रहा है, किसके कारण से, अगर हमने कहीं से कोई लोन लिया है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, लोन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमने पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को लोन दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज माइनस आइटम बिकॉज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है, क्या होता है क्लास, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ कहां से, फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे देश से क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो गया, पैसा हमारे यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। तो यही चीजें हमें इसमें देखनी है, ठीक है। नेट वैल्यू, अब देखो नेट वैल्यू किसकी, नेट वैल्यू ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स, ठीक है, जो हमारी बोरोइंग्स हैं या फिर क्या है, सारे इन्वेस्टमेंट हैं, इज रिकॉर्डेड एज कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सिंपल सी एक पॉइंट समझ लें, ओवरऑल, ठीक है, क्या ओवरऑल बैलेंस इन बीओपी इज सब टोटल ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट का सब टोटल को हम क्या बोलते हैं क्लास, इसी को हम बोलते हैं क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। ये क्या है क्लास, हमारा करंट अकाउंट में आज हमने दो, सॉरी कैपिटल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने क्या, पहला पढ़ा हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने क्लास, बोरोइंग्स, क्या पढ़ी, बोरोइंग्स, ठीक है। तो
अभी हमने क्या पढ़ा, जितनी भी सिंपल ट्रांजैक्शन होती हैं, मतलब परचेज एंड सेल की ट्रांजैक्शन जो होती हैं, वो किस में होती है क्लास हमारी, वो क्लास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं हमारी किस में, करंट अकाउंट में। और जिन ट्रांजैक्शन से क्या होता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हमारा कोई एसेट या लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो क्या रिकॉर्ड होती है क्लास हमारी, वो क्लास रिकॉर्ड होती है हमारी कैपिटल अकाउंट, किस में होती है कैपिटल अकाउंट में। अगर क्लास हम कैपिटल अकाउंट के लिए छोटा सा नोट लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो वी कैन से दैट कैपिटल अकाउंट डू नॉट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। मतलब ऐसे एसेट कभी भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते जो कैसे होते हैं मूवेबल, कैसे होते हैं मूवेबल, ठीक है, एंड कंज्यूमर गुड्स, और कंज्यूमर गुड्स भी रिकॉर्ड नहीं करता लाइक मिल्क वीट। देयर आर, देखो अब कंज्यूमर गुड्स भी रिकॉर्ड नहीं करता, कैपिटल गुड्स कौन से रिकॉर्ड नहीं करता, जो मूवेबल होते हैं, क्या होते हैं मूवेबल। देयर आर रिकॉर्डेड एज मर्चेंडाइज, देयर आर रिकॉर्डेड एज मर्चेंडाइज ट्रांजेक्शंस इन करंट अकाउंट। ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं क्लास, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, समझ में ही बात कि मतलब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स कौन से, लाइक लैंड मशीनरी सब क्या है ये, प्लांट मशीनरी सब क्या है ये है मूवेबल गुड्स, क्या है मूवेबल गुड्स, ठीक है। और ये क्या करता है, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड ओनली, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स ओनली दीज एसेट्स, ये कौन से एसेट इंक्लूड करता है, ठीक है, लाइक लैंड बिल्डिंग एज वेल एज प्लांट मशीनरी विच रिमेन, लाइक लैंड बिल्डिंग एज वेल एज प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अब मतलब क्या है, ये प्लांट मशीनरी बोल भी रहे नहीं भी करते, और बोल रहे करते भी हैं, बट इसकी एक कंडीशन है, वो क्या है, विच रिमेन, क्या रखता है वो, विच रिमेन विद इन अवर कंट्री बट ओनरशिप, जो मालिकाना हक है, विल बी चेंज बाय द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स। मतलब वो रहे तो हमारे ही देश में, बट उसमें क्या हो, उनकी ओनरशिप क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, ठीक है। बीओपी इन कैपिटल अकाउंट ऑल्सो रिकॉर्ड मॉनेटरी, ठीक है, मतलब ये मॉनेटरी एसेट्स को भी रिकॉर्ड करता है, मॉनेटरी एसेट्स लाइक शेयर एंड बॉन्ड्स। शेयर और बॉन्ड जो हमारे एसेट होते हैं, क्यों, क्योंकि उनका मालिकाना हक
सॉरी उनकी जो ओरिजिन है वो तो वहीं रहती है, मतलब उनका जो जगह है वो वहीं रहती है, विद इन द कंट्री रहता है, बट ओनरशिप क्या हो जाती है, बस उनकी चेंज हो जाती है। ठीक है ठीक है। और इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, इट ऑल्सो रिकॉर्ड क्लेम ऑफ बोरोइंग्स किसके बीच में, बिटवीन, देखो किसके बीच में, बोरोइंग बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स, बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर, जो व्यापारिक क्या हैं, पार्टनर हैं, उनके बीच में क्लास क्या करता है, बोरोइंग्स का जो क्लेम होता है उसको भी रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा कैपिटल अकाउंट सॉरी बीओपी है, बीओपी की तीन कंडीशन हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम इन बीओपी, जो बीओपी है उसमें इक्विलिब्रियम हो सकता है, इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब वो इक्विलिब्रियम कब होगा, क्लास जब होगा, जब क्या होता है, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी प्लस कैपिटल अकाउंट इन बीओपी इज इक्वल टू जीरो, के मतलब जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सेंट्रल रिजर्व ऑफ सेंट्रल रिजर्व। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक, ऑफ द सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखा है, कौन सा रिजर्व रखा है, फॉरेन रिजर्व, क्या रखा है, फॉरेन रिजर्व, उसका कोई भी लेन देन नहीं हुआ। ठीक है, दैट इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो सकता है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो क्या है, आउटफ्लो के बराबर। ठीक है, और कई बार क्या होता है, अब कई बार क्या होता है, क्लास इक्विलिब्रियम हो गया, अब डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है, डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, इसका मतलब क्या निकालेंगे, इसका मतलब निकालेंगे कि करंट अकाउंट इन बीओपी प्लस कैपिटल अकाउंट इन बीओपी क्या बच रहा है, बैलेंस बच रहा है, और बैलेंस क्या हो सकता है, बैलेंस मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव। ठीक है, जो बैलेंस होता है वो मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी क्या हो सकता है, निगेटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव बैलेंस हुआ तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव को हम क्लास बोलेंगे सरप्लस, क्या बोलेंगे, सरप्लस इन बी ओ पी। ठीक है, दैट मीन्स करंट अकाउंट इन बी ओ पी प्लस कैपिटल अकाउंट इन बी ओ पी इक्वल टू पॉजिटिव, क्या निकल के आया है क्लास, पॉजिटिव आया है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज higher than outflow of foreign exchange, यहाँ पर क्या हुआ, inflow ज़्यादा हुआ है, outflow कम हुआ है, ये भी हो सकता है कि deficit हो जाए, deficit in BOP, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब जो करंट अकाउंट है क्या है, करंट अकाउंट
इन बीओपी प्लस कैपिटल अकाउंट इन बीओपी इज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव, क्या है नेगेटिव है मतलब क्या समझ में आया कि इनफ्लो इज लोअर देन आउटफ्लो, कि मतलब हमारे यहाँ इनफ्लो क्या हो रहा है कम हो रहा है पर आउटफ्लो क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कि मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं बट एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग कम कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये हमारा पॉइंट है क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे इनफ्लो हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे हमारा आउटफ्लो होगा, ठीक है, कब हमारा डिसइक्विलिब्रियम आएगा कब हमारा इक्विलिब्रियम आएगा, समझ में आई बात यहाँ तक। इसके बाद कल का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, के क्या क्या कारण है कि जिससे कि डिसइक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कब सरप्लस और कब डेफिसिट हमारा इसमें क्रिएट होता है, समझ में आई बात यहाँ तक। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं।